हम सभी अपने घर में पूजा अर्चना तो करते हैं, और सबसे पहले जब पूजा अर्चना की बारी आती है तो सबसे पहले हम गणपति बाबा जी का पूजा अर्चना करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि गणपति जी का जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो जब हम दुर्वा चढ़ाते हैं तो दुर्वा हमें किस दिशा में चढ़ाना चाहिए, और दुर्वा कितने दुर्वा हमें गणपति जी को चढ़ाना चाहिए, दुर्वा चढ़ाने के फायदे क्या क्या होते हैं, और घर में जब हम गणपति जी को स्थापित करते हैं, स्थापना करते हैं, तो घर में कौन सी सूर वाले गणपति जी का स्थापना हमें अपने घर में करना चाहिए, या बिजनेस में करना चाहते अपने दुकान में करना चाहते हैं तो वहां पे हम कौन से गणपति जी का स्थापना करें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि गणपति जी का जो स्थापना होता है हम अपने घर में कौन सा कर सकते हैं। देखिए, आप अपने घर में जब गणपति जी का स्थापना कर रहे हैं तो ध्यान इस चीज का रखना है कि आपको सीधे सूर वाला गणेश जी अपने घर में स्थापना करना है, और उल्टे सूर वाले जो गणेश जी होते हैं उसे आप अपने व्यापार, बिजनेस, नौकरी, अपने धंधे में उल्टे सुर वाले गणेश जी का स्थापना कर सकते हैं। अगर ऐसा होता भी है कि अगर आप बिजनेस में अगर उल्टे सुर की जगह पर सीधे सुर वाले गणेश जी का स्थापना करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा तो आपके घर में रहती है, लेकिन माँ लक्ष्मी यानी धन आपके घर में टिकता नहीं है। अब ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अगर पहले से आप लोगों ने जो स्थापना कर रखा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, भगवान जरूर आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगले समय से अगर ऐसी गलतियां करते हैं तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जब गणपति जी को हम दुर्वा चढ़ाते हैं तो दुर्वा हमें कितने चढ़ाने चाहिए। देखिए, जब दुर्वा चढ़ाते हैं तो दुर्वा हमें विषम संख्या में चढ़ाना होता है, कम से कम आप 3, 5, 7 इस प्रकार से चढ़ा सकते हैं। और माना जाता है कि दुर्वा जब चढ़ाने के लिए जाते हैं आप, तो कम से कम आपको 21 दुर्वा के 2 गांठ बनाने चाहिए और दोनों गांठ आपको गणपति जी को चढ़ाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि दुर्वा चढ़ाते तो हैं मगर किस दिशा में हमें चढ़ाना चाहिए। देखिए, दुर्वा जब आप चढ़ाने के लिए गणपति जी को जाते हैं तो दुर्वा जो है, आप लोगों ने देखा होगा या गौर किया होगा कि गणपति जी का जो दांत है, एक दांत यानी एक दांत जो है वो टूटा हुआ है। जब आप दुर्वा चढ़ा रहे हैं तो जिस साइड में, जिस भाग में दांत टूटा हुआ होता है, उस भाग में आपको दुर्वा चढ़ाना होता है। अब हम जान लेते हैं कि दुर्वा हम लोग क्यों चढ़ाते हैं। देखिए, दुर्वा चढ़ाने से आपके जीवन की जो भी कष्ट हैं और बाधाएं हैं वह दूर हो जाती, और भगवान की कृपा से आपके घर में रिद्धि सिद्धि विराजमान होती और धन की कमी कभी नहीं होती है। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।